मुझे प्रातः काल अपना प्रेम दिखा, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मुझे सन्मार्ग की शिक्षा दे, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। प्रभु, तू प्रातः काल मेरी पुकार सुनता है, मैं प्रातः अपना चढ़ावा सजाता हूँ और प्रतीक्षा करता रहता हूँ। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। फरवरी 2018 पहला पाठ जोना नबी का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 1-10 तक। प्रभु की वाणी जोना को दूसरी बार ये कहते हुए सुनाई दी, उठो महानगर निनवे जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश दो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर जोना उठ खड़ा हुआ और प्रभु के आज्ञानुसार निनवे चला गया। निनवे एक बहुत बड़ा शहर था, उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योना ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा। 40 दिन के बाद निनवे का विनाश किया जाएगा। निनवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया, उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सब ने टाट पोट लिए। निनवे के राजा ने ये खबर सुनी, उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतार कर टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने निनवे से ये आदेश घोषित किया, ये राजा तथा उसके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी ना तो खाएगा ना चरेगा और ना पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़ कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दोहाई देंगे। सभी अपना कुमार्ग तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ दें। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। ईश्वर ने देखा कि वह क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 11 वाक्य 29-32 तक। भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमंड रही थी और वह कहने लगे, ये एक विधर्मी पीढ़ी है, ये एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी जोहन के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार जोहन निनवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन
दृष्ण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ भी जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रजा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्हें जोहन का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था, और देखो यहाँ वह है जो जोहन से भी महान है। पवित्र सुसमाचार, क्रिस्त की जय।